वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज फॉर क्लास 10th। वी आर ऑलरेडी एट द फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड वी विल कंटिन्यू आवर वीडियोज दैट वी हैव लेफ्ट बिफोर एट द क्वेश्चन नंबर 18.3। वी हैव डन इट अप टू 18th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द 19th क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। My WhatsApp number is this. You can message me on that if you are not able to get anything in the video. अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, just take the screenshot and send it on my WhatsApp number. I will tell you the reason for that or the solution. आपको क्या समझ में नहीं आया, I will tell it. After that, I have a FB page with the name of KV Academy. You can like that page also. I will keep on posting latest videos there. एंड मैं लिस्ट भी बनाता हूँ, जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसकी वीडियोस जितनी भी पार्ट बनते हैं उन सभी की एक लिस्ट पार्ट वाइज, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पूरे एक चैप्टर की मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। तो वो जो लिस्ट है वो भी मैं वहाँ पे डालता हूँ केवी अकेडमी वाले पेज में, तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स, लॉग्स क्या होता है, लकड़ी की, लकड़ी के जो है ना कोई पेड़ है उसके टुकड़े करके छोटे छोटे, जैसे ऐसे एक लॉग होता है, ठीक है, लकड़ी का इतना सा टुकड़ा कोई काट के लगाया है। इसी के साथ में एक और है, ऐसे 20 लॉग्स लगे हुए हैं, मैं थोड़े से बना रहा हूँ, ऐसे क्या है लकड़ी के जो 20 जो लॉग्स हैं वो नीचे लगे हुए हैं, पहले नीचे सबसे नीचे वाले में 20। इसके ऊपर हम कैसे टिकाते हैं, ऐसे जहां इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों, वैसे आप इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 है, ऊपर इसके 4 ही लगेंगे, मतलब एक कम लग रहा है। वैसे भी हम लगाएंगे ना, टिकाएंगे तो एक एक कम ही लगता है उसमें, अगर हम उसको टिकाना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाली में 20 है, उससे ऊपर वाली रो में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है, ऐसे ही कम, एक एक कम होता जा रहा है। और 200 लॉग्स जो है, 200 हमारे पास टोटल टुकड़े थे इसके, लकड़ी के लॉग्स थे, जिसको हमने ऐसे ही एक एक कम लाइन में एक एक कम करते गए और टिकाते गए, तो कितनी लाइन्स में ये 200 के 200 पूरे आ गए होंगे वो निकालना है हमने। और सबसे ऊपर वाली रो में, मतलब कि इसकी जो यहाँ पे AP बनेगी उसकी लास्ट टर्म, उस मतलब कि एक तरह से सबसे लास्ट रो, मतलब ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स आए होंगे, मतलब कि उसने, उन्होंने पूछा है इस AP की, जो ये AP बन रही है 20, 19, 18, 17, 16 AP बन रही है ना, तो लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा वो भी हमने निकालना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। हाँ जी, लॉग्स इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मतलब सबसे नीचे वाली रो जो है, फर्स्ट रो है उसमें थे 20 लॉग्स, इन सेकंड रो कितने थे 19 लॉग्स, इन थर्ड रो कितने थे 18 एंड सो ऑन चल रहा है, मतलब कि एक एक कम होता जा रहा है अगली वाली रो में, तो सो द AP जनरेटेड इज 20, 19, 18 एंड सो ऑन, जब तक ये 200 के 200 हमारे लग नहीं जाते, हम ऐसे टिकाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है भी टोटल जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सम 200 है, क्योंकि ये जो लॉग्स हम टिका रहे हैं टोटल 200 थे, ये तो हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगती हैं इनको टिकाने में 200 के 200 को, वो नहीं हमें पता, वो निकालना है। बट हमें तो ये तो पता है कि टोटल जो है सम ऑफ द लॉग्स, टोटल जितनी भी टर्म्स बनी उन टोटल लॉग्स 200 है, तो हम SN लिखेंगे 200। A हमें पता है पहली वाली रो में 20 था, D हमें पता है 19 माइनस 20 दैट इज D हो रहा है -1। ओके, हमने क्या निकालना है, एक तो लास्ट टर्म क्या है और एक नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मतलब कि लास्ट वाली रो में कितने वुडन लॉग्स आए, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली टॉप रो इस AP की लास्ट रो होगी वो, ठीक है। एंड कितनी रोज लगी, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी लगी 200 लॉग्स को प्लेस करने में, तो
तो Sn वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम, ठीक है। तो वो क्या है फॉर्मूला, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn हमें ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। n हमें गिवन नहीं है तो नीचे 2 रह जाएगा। मल्टीपल में 2 इंटू ए कितना है 20, n हमें फिर नहीं पता और d पता है हमें माइनस वन है, ओके। तो ये वाला 2 जो है इधर ले आएंगे, 200 इंटू 2 बिकम्स 400 इज इक्वल टू n इंटू, अब देखिए 2 इंटू 20 बन जाता है 40 प्लस n माइनस वन को हम करेंगे माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई, n इंटू माइनस वन बिकम्स माइनस n, माइनस वन इंटू माइनस वन बिकम्स पॉजिटिव, सो 40 प्लस वन बिकम्स 41। तो ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, ड्रॉ करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले तो अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 41n माइनस n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। तो हमें पॉजिटिव में चाहिए होता है, ये दोनों चीजें इधर ले आएंगे, माइनस n स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो गया, 41n पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, 400 तो इधर ही था ना, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो ये 400 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो हमने ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके निकालना है कि हमारे जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगी वो कितनी हो सकती हैं। तो देखिए आप के 400 जो है वो कैसे कैसे बन सकता है, फर्स्ट तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 इंटू 100, सो 2 प्लस 100 इज नेवर बिकमिंग 41 और 2 माइनस 100 भी 41 नहीं आएगा, तो पहले वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं बन सकता, ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती। उसके बाद 4 वाला चेक कीजिए, 2 into 100 कर दिया, सॉरी 2 into 200 करना है ना, 2 into 100, 4 into 100 होगा वो भी नहीं हो सकता, प्लस और माइनस इन दोनों का प्लस या माइनस 41 नहीं आ रहा। नेक्स्ट करते हैं, 4 5 आ गया, 5 8 40, ये भी नहीं होगा, 80 और 5 को माइनस करें तो फिर 75 आता है, प्लस करें तो 85 आता है, हमारा नहीं बन रहा ये। ऐसे ही आप आगे आगे मूव ऑन करते जाएं, अगर हम देखते हैं ऐसे ही आगे मूव करते हैं, 5 पे देखते हैं, फिर 6 पे देखते हैं, 7 पे, 8 पे, चलो 8 पे करते हैं, 8 5 40, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा बन रहा है ना ये 400, ठीक है, 8 5 40 तो 400 हो जाएगा, बट 8 में से और 50 में से 8 माइनस करेंगे तो 42 बचता है, यहाँ पे हमारा 41 नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक, आगे आगे इसको ऐसे ही क्या पता कोई और निकल आए हमारे पास, 9 पे किया, 10 पे करते हैं, 10 into 40, ठीक है, तो 10 इंटू 40 वाला भी प्लस करेंगे तो 50, माइनस करेंगे तो 30 बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है ना। ऐसे ही आगे 15 तक हम पहुंच जाएंगे, 12 13 14 15 पे करके देखते हैं, 15 पे भी जाएगा, और 15 16 17 18, ऐसे ही हम आगे आगे चेक करते जाएंगे, तो एक 16 पे जाता है, 16 into 25 भी 400 होता है, 16 और 25 को प्लस करके देखा तो वो 41 भी बन रहा है, तो दैट मीन्स 16 और 25 हमारे फैक्टर्स, ओके। ऐसे मतलब मैंने बताया आपको, चेक कर सकते हैं आपको, बस छोटे से शुरू हो जाइए, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका जो है ये परफेक्ट हो जाता है, आप एक ही बार में वो निकाल, एक या दो बार में आप निकाल लेते हैं कि आपके फैक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल 0, हमने 25 और 16 पॉजिटिव
वाले मल्टीपल करके 4400 निकाला था ना, और यहाँ पे हम दोनों नेगेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा जो ये सम है ना वो नेगेटिव में आना चाहिए और मल्टीपल पॉजिटिव में आना चाहिए। वो तभी आ सकता है जब दोनों नेगेटिव टर्म्स हों, तो प्लस करेंगे तो नेगेटिव टर्म आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा। तो देखिए फिर इन दोनों में एन कॉमन है, एन माइनस 25, इन दोनों में माइनस 16 कॉमन निकालेंगे ताकि हमारा यहाँ पे साइन माइनस वाला आ सके, सेम बनाना होता है ना ये वाला, तो इट विल बिकम एन माइनस 25। अगर किसी को भी ये ना समझ आ रही कि ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है, तो इससे पहले भी हमने किया हुआ है चैप्टर्स में, तो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको वो लिंक जो है वहाँ पे भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पॉलीनोमियल्स में भी किया है। ओके, एन माइनस 25 दोनों में कॉमन है, अंदर बच गया एन माइनस 16, या तो एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n क्या हो सकता है, या तो 25 हो सकता है या फिर 16, ठीक है। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, कौन सा हो सकता है दोनों में से, जस्ट वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, ऐसे मान लेते हैं अगर 25 होगा तो 25 रोज अगर ऐसे लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी क्या वो 200 लॉग्स जो है वो कम्प्लीट लग जाएं, ज़्यादा हो जाएंगे 25 रोज में, ज़्यादा हो जाएंगे 200 लॉग्स, 200 से भी ज़्यादा लग जाएंगे, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं चेक करने के लिए जस्ट। सो एन इज इक्वल टू 16 है ना जो, वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है, पुट करके देख लो एन की जगह पे 16, यहाँ पे लिख लो चाहे लिखना, तो फॉर वेरिफिकेशन के लिए, अब यहाँ पे एस एन 200 भरना नहीं है, ये हम निकालेंगे अगर निकलता होगा तो, एन की जो वैल्यू भरनी है 16 बाई 2 into 20 प्लस 16 माइनस 1 into -1, सो यहाँ पे आ जाता है 840 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू माइनस 1, 15 इंटू माइनस 1 बिकम्स माइनस 15, हाँ जी देखिए 40 में से 15 गए तो बचते कितने हैं 25, होते हैं तो 25 8s are 200 होंगे, तो ये हमारा 200 इसमें आ रहा है, किसी ऐसे ही अगर आप 25 पुट करके देखेंगे ना तो आपका ज्यादा आएगा, तो वो वाला जो आपने निगलेक्ट कर देना है फिर जब अगर आपने वेरिफिकेशन शो करनी है तो, ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर 200 वाला जो कब आएगा, जब आपका n 16 होगा, तो n इज इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 16 है हमारा सही आंसर। अब देखिए उन्होंने ये भी पूछा था लास्ट वाली टॉप रो में कितने लॉग्स थे, तो वो भी निकालना है हमने, ए 16 भी निकालना है, यानी कि an मतलब हमें नहीं पता था ना n क्या है, तो अब n पता चल गया तो ए 16 निकालना है, ए 16 कैसे आएगा, ए प्लस 15 डी से, ए कितना हमारा 20 प्लस 15 इंटू डी, डी कितना माइनस 1, ठीक है, तो 20 into -15, 5 into -1 -15 होता है, तो लास्ट वाली रो में कितने हैं 5 लॉग्स हैं, सो नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इज इक्वल टू 5 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज आर 16, ये लिख सकते हैं पॉइंट में, तो ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में बहुत बार आया है। ओके सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, आप ये नोट कर लीजिए पूरा, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, आफ्टर दैट वी हैव एन ऑप्शनल एक्सरसाइज दैट वी विल डू आल्सो, बिकॉज पेपर में तो 10th क्लास पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो ऑप्शनल भी हम करेंगे सारी की सारी एक्सरसाइज जितनी भी होंगी एनसीईआरटी में, तो
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि तो मैंने इतना लिखा है, बाकी का मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप बोल देता हूँ, आप वो लिख लेना, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 4 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यहाँ पे क्या है, एक बकेट पड़ी हुई है, ओके एक बकेट पड़ी हुई है, इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो पड़ा है। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी के पोटैटोज जो हैं वो 3 3 मीटर के दूरी पे पड़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ये बाकी का डिस्टेंस जो है ना, ये 3 3 मीटर का है। ठीक है, डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला 5 मीटर, फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर दूर पड़ा हुआ है, बाकी 3 3 मीटर की दूरी पे टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 बनाए, आप चाहें तो 4 और बना के पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट हमने क्या है, फॉर्मूले से शो करना है। तो ये डायग्राम है, ये गिवन है हमें। हम इससे नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बोल देता हूँ, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहां से स्टार्ट करता है जो कॉम्पिटिटर है, कॉमा पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो यहाँ से भागा यहाँ तक, नियरेस्ट पोटैटो यही हुआ ना उसके, यहाँ से आया और फिर वापस चला गया और बकेट में पोटैटो डाल दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ दोबारा, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो कॉमा रन्स बैक विद इट कॉमा ड्रॉप्स इट इन द बकेट, ठीक है, वो बकेट में ड्रॉप कर देता है। फिर उसके बाद फिर कॉमा रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा वो भागता है यहां से टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो जो यहां पे पड़ा हुआ है, जहां पे गया भी और वापस भी आया, ठीक है। रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो कॉमा रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, पहले गया उसको उठाया, फिर वापस गया उसको वापस उसमें डालने के लिए। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, जो लड़की कंपटीटर है वो भाग रही है, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जितने 10 के 10 पोटैटोज इसमें लाइन में पड़े हैं वो ऐसे ही करती है, जाती है भागती है, एक पोटैटो लेके आती है बकेट में डालती है, फिर भागती है दूसरा पोटैटो लेके आती है बकेट में डालती है, फिर भागती है तीसरा पोटैटो लेके आती है बकेट में डालती है। तो ऐसे ही क्या है, 10 तक, जब तक पूरे 10 के 10 पोटैटो उसने बकेट में नहीं डाल दिए, वो ऐसे ही चल रही है रेस, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, वट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस भागना पड़ा सभी के सभी पोटैटोस को उठाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। पहले वो कॉम्पिटिटर कितना भागा, 5 गया 5 आया, 10 मीटर हुआ ना, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, 5 गया 5 आया, 2 बार हुआ ना 5 2 into 5, दैट मींस 10 मीटर पहले पोटैटो को उठाने के लिए उसको 10 मीटर भागना पड़ा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड टू पिक द सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो के लिए देखो 5 तो दौड़ा ही दौड़ा, अगला पोटैटो 3 मीटर और दूरी पे पड़ा है, तो टोटल 8 हुआ ना, ठीक है, 8 2 बार, 8 गया 8 आया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज क्या है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 times 5 plus 3, मतलब हम शो कर रहे हैं कि पहले वाला 5 को दौड़े दौड़ा 3 और, 5 plus 3 दैट इज 2 बार ही गया ना, गया और आया, सो इट बिकम्स 2 into 8, ऐसे भी आप सीधा लिख सकते हो। दूसरा पोटैटो उसने 16 मीटर की दौड़ लगा के डाला उसमें बकेट में, सो ऐसे ही तीसरा पोटैटो 2 बार भागा होगा, पहला वाला 5, दूसरा वाला 3, और तीसरे पोटैटो के लिए और 3 आगे जाना पड़ा, 5 plus 3 plus 3 कितना हो गया 11, तो तीसरा पोटैटो 22 मीटर की दूरी पे भाग के वापस लाना पड़ा, टोटल डिस्टेंस इतना भागना पड़ा उसको।
ऐसे ही हम सारे निकाल सकते हैं, बट निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला किस लिए है। सो हम क्या लिखेंगे, सो एपी इज, एपी क्या बन गई हमारी, पहला 10 मीटर भागा, दूसरी बार 16 मीटर भागा, तीसरे पोटैटो को उठाने के लिए 22 मीटर भागा, एंड सो ऑन। हमें नहीं पता लास्ट टर्म कितना भागा होगा, वो निकालनी है तो निकाल सकते हैं वैसे, डिस्टेंस वैसे जरूरत नहीं है, जरूरत रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया, तीन टर्म्स आ गई। हमें पता है कि हमने 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, सो सम ऑफ 10 टर्म्स होगा ना, वो निकालना है। हमारे पास ए कितना है 10, डी कितना है 16 माइनस 10 दैट इज 4 मीटर, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं 10, क्योंकि 10 पोटैटोज हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट, एस एन वाला इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, a कितना हमारा 10 है, b कितना 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो कटिंग हो जाएगी, 5 आ जाएगा, टू इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 4 इज 36, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, इट बिकम्स 56, सो 56 इंटू 5 करना है, 5 5 इज 25, 250 तो पक्का ही है, 5 6 इज 30, 280 मीटर वो टोटल डिस्टेंस भागी कॉम्पिटिटर सारे पोटैटोस को उठाने के लिए, बस आंसर। तो मैं वही बता रहा था, मैंने पहले भी आगे बात करता हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझने की जरूरत होती है, सम कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4, दैट इज ऑप्शनल, लिखने को है बस, असल में यही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं पेपर में। आपको ऑलरेडी पता होगा 10th क्लास के जो पेपर्स हैं वो पिछले साल हुए थे, वैसे बेसिक और दूसरे नॉर्मल पेपर थे, ठीक है, बेसिक वाला और दूसरे वाले पेपर में क्या फ़र्क है कि बेसिक वाले में भी वो नॉर्मली वैसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, बट वो ज़्यादातर एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन डालते हैं जो हम एक्सरसाइज में करते हैं, और दूसरा जो है एक्सपर्ट वाला टाइप, ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाले में वो ऐसे ऑप्शनल एक्सरसाइज या किसी और बुक से क्वेश्चन डालते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ऐसे होनी चाहिए, ऑप्शनल तो करें करें, एक और बुक जो है वो आप फॉलो कीजिए, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहले दो सम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, तो ये हमारे पास एपी है 121, 117 और 113 एंड सो ऑन। इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब कि ये नेगेटिव में जा रहा है ना, कम हो रहा है, तो दैट मीन्स नेगेटिव टर्म तो आएगी आएगी, जीरो के बाद वाली कौन सी टर्म होगी, तो हमें नहीं पता अभी वो कौन सी टर्म है जो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो, गलत लिख दिया हमने, लेस देन जीरो कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, हमने वो टर्म निकालनी है ए एन, वो कौन सी टर्म है जो लेस देन जीरो है, जीरो से कम, मतलब नेगेटिव टर्म, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे देखिए ये हमने निकालना है, ओके, तो यहाँ पे मैं हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 121 है, डी हमारे पास 117 माइनस 121, सो डी आ रहा है हमारे पास माइनस 4, ठीक है, हमने कौन सी टर्म है वो निकालनी है, ओके। सो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो इट शुड बी लेस देन जीरो, कौन सी टर्म होनी चाहिए, है ना। तो ए पुट करेंगे हमारा 121, एन माइनस 1 एज इट इज, डी पुट करेंगे हमारा माइनस 4 लेस देन जीरो हो जाएगा, सो 121 इंटू, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे 121 उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस 4 दैट विल बिकम माइनस 121, ओके,
माइनस फोर इधर आएगा, डिवाइड में आएगा ना, मल्टीपल में यहाँ में डिवाइड किया जाए माइनस माइनस हो गया कैंसल। ठीक है, ये कटिंग नहीं हो रही है, साफ पता चल रहा है, इसको मत कटिंग दो अभी, नहीं करनी मतलब। माइनस वन उधर आके हो जाएगा प्लस का, इनका एलसीएम लेके आप निकालो, वन ट्वेंटी वन प्लस फोर दैट इज 125/4 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करो, फोर वन जार फोर, फोर कितनी आएगी इसकी कटिंग करके, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ओके फिर वन बचता है, फोर वन जार फोर पॉइंट हमारा वन बचता है, तो जीरो आएगा, फोर टू जार एट, फोर फाइव जार ट्वेंटी, सो 31. समथिंग 25 टर्म तो नहीं पॉसिबल हो सकती। इतना पता चल रहा है कि इससे जो आगे, इससे फर्दर आगे वाली टर्म होगी वो होगी हमारी ग्रेटर देन 31.25, दैट विल बी आर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो 31.25 से अगली टर्म जो है एक प्रॉपर नेचुरल नंबर क्या आता है, 32। सो 32nd टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो आप बाकी लिख लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसे है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, सो ए एन लेस देन जीरो कब होगा, ठीक है, तो वो निकाल लेना हमने ऐसे। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए और आगे ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, ये आप फिलहाल नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम जो है वो 6 दिया हुआ है, और इन दोनों का प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट भी हमें दिया हुआ है 8। ओके, तो इन दोनों को आप कैसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, और ए सेवन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सिक्स डी, दैट बिकम्स 8। सो ए बिकम्स, या इसको साइड में लिख लेते बाद में लिखेंगे, 2a 2d प्लस 6d बिकम्स 8d इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से इक्वेशन बन गई है जी। नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें किसी एक चीज़ की वैल्यू तो कैसे पुट करेंगे इसको, इससे पहले पहले आप पहले आप वो तो लिख लो, इसको सेवंथ एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी था ना, ए थ्री इंटू ए सेवन इज इक्वल टू 8। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये, और ऑल्सो ये भी दिया हुआ हमें ए प्लस टू डी इंटू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना ये वाली, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, वैसे 2 कॉमन आ जाएगा इनमें से, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, और 2 उधर जाके डिवाइड होएगा तो क्या होगा, a प्लस 4d बिकम्स 6/2, दैट इज 3 आ जाएगा। इतना क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, a प्लस 4d बिकम्स 3, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो ऐसी ही चीज हम यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे अगर 2d की बजाय मुझे चाहिए 4d, तो मैं क्या करूँगा, 2d ऐड कर, मुझे 2d एक और चाहिए, तो अपनी तरफ से ये इसमें एक 2d ऐड कर देना है और एक माइनस भी कर देना है। एक 2d ऐड कर दिया, एक माइनस कर दिया, क्यों, ताकि इक्वेशन की जो प्योरिटी है वो बनी रहे, इक्वेशन गलत नहीं होगी, मतलब इनको काट के फिर यही चीज बन जाएगी हमारी। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये वाली चीज ना a प्लस 4d यहाँ पे मैं ओनली 3 पुट कर सकता हूँ, फिर आगे आ जाइए, यहाँ पे मुझे 2d नहीं चाहिए, तो पहले एक 2d माइनस करूंगा, एक 2d प्लस करूंगा,
ए प्लस सिक्स डी में टू डी एक माइनस कर दिया और एक प्लस भी कर दिया ताकि अगेन प्योरिटी ऑफ द इक्वेशन शुड रिमेन द सेम इक्वल टू एट था ये है ना। अब देखिए इसको हम अगर लिखेंगे ए प्लस टू डी प्लस टू डी बिकम्स फोर डी माइनस टू डी और ए प्लस सिक्स डी माइनस टू डी कितना होगा ये भी बन जाएगा ए प्लस फोर डी और आगे उसके बाद क्या है प्लस टू डी है हमारे पास इक्वल टू एट। ओके ए प्लस फोर डी यहां पे बन गया, यहां पे बन गया फ्रॉम इक्वेशन वन ए प्लस फोर डी की जगह पे मैं यहां पे पूरे इसकी जगह पे और इसकी जगह पे थ्री थ्री पुट कर सकता हूं सो इट बिकम थ्री माइनस टू डी एंड अदर साइड बिकम थ्री प्लस टू डी इक्वल टू एट। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी यूजिंग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट। ठीक है तो होपफुली आपने इधर वाला नोट कर लिया होगा तो थोड़ा सा मैं इधर वाला रब करने वाला हूँ। थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन टू का स्क्वायर फोर डी का स्क्वायर डी स्क्वायर ही रहता है एट आ गया नाइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा माइनस फोर डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एट माइनस नाइन माइनस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट माइनस नाइन कितना माइनस वन फोर डी इधर आके डिवाइड में आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और नीचे माइनस फोर डिवाइड में आ जाएगा कटिंग होगी वन बाय फोर बच गया डी स्क्वायर है तो डी का स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट दो वैल्यूज देता है डी की दो वैल्यूज आएंगी वन बाय फोर का स्क्वायर रूट होता है वन बाय वन का स्क्वायर रूट होता है वन फोर का स्क्वायर रूट होता है टू तो हमारे पास डी की दो वैल्यूज हैं यहाँ तो पॉजिटिव वन बाय टू होगा या फिर डी हमारा नेगेटिव वन बाय टू। ठीक है हम पूछा गया हमसे सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स सो एस 16 हम निकालना है बट पहले d 1 बाय 2 जो है यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल दूंगे। ठीक है तो इसको भी कोई इक्वेशन यहाँ पे पुट करो 1 में पुट करो पुट इन 1 तो 1 में अगर पुट करते हैं अगर d को पॉजिटिव पुट करते हैं पॉजिटिव 1 बाय 2 सो a प्लस 4 इंटू 1 बाय 2 इट इज इक्वल टू 3 सो तब तो a आएगा 3 माइनस 2 1। अगर हम d की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट करते हैं तब तो a आएगा 5। तो दोनों केसेस दोनों में हमने सॉल्व करके दिखाना है ये वाला अगर a हमारा 1 है और d 1 बाई टू है तो हमारा 16 टर्म्स का सम क्या आता है अगर हमारा a 5 है और d माइनस वन बाय टू है तो हमारा 16 टर्म्स का सम क्या आता है दोनों करके दिखाने हैं होपफुली दोनों का आंसर भी सेम आएगा करके देखिए बस बाकी का जो s 16 जो है वो आपने खुद निकालना है। तो आज की जो वीडियो सम थोड़े बड़े होने के कारण वीडियो जो है 30 प्लस पहले ही हो चुकी है हमने सिर्फ चार सम्स किए हैं दो पहले किए दो अब किए बट ये मैटर नहीं करता अभी हमें कितने टाइम में कितने सम्स किए मैटर ये करता है कि जितने किए उतने समझ आए क्या अगर हमें सम्स हमने कम भी किए तो हमें समझ ना आए तो क्या फ़ायदा ज़्यादा भी कर लिए तब भी समझ ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं सो जितने करो समझ के करो मैथ्स समझने की चीज़ है। ठीक है समझ आ गया तो चार सम्स भी आपके एक दिन में अगर आप चार या पाँच सम भी कर रहे हो तो आपको आगे आगे आपकी कैपेसिटी और बढ़ती जाती धीरे धीरे सो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरा चैनल है जितना हो सके आप आगे शेयर कीजिए सब्सक्राइब करवाइए टीचर के एफर्ट्स जो हैं उनको उनका फल जरूर मिलना चाहिए सो आप ही कर सकते हैं जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका भी एक तरह से थैंकफुल रहूँगा मैं और आपकी अप्रिसिएशन होगी मेरे लिए ये एक तरह से। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।